वो किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। और अब खबर सिरसा से है, जहां पे नवनिर्वाचित विधायक आदित्य चौटाला ने बयान दिया है और इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में उनका यह बयान आया। दिग्विजय चौटाला मेरा भतीजा है। आदित्य चौटाला ने दिग्विजय के उज्जवल भविष्य की कामना की है। जनता ने अभय चौटाला को खूब प्यार दिया, ये बात भी आदित्य चौटाला ने कही। अभय चौटाला हरियाणा की जनता की आवाज है। आदित्य चौटाला की ओर से ये बयान दिया गया। इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में आदित्य चौटाला की ओर से बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अभय चौटाला जनता की आवाज है, हरियाणा की जनता ने अभय चौटाला को खूब प्यार दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और INLD की बात की जाए तो एक बार फिर से INLD का खाता खुलता हुआ इस चुनाव में दिखाई दिया। दो विधायक INLD के यहाँ चुने गए, डबवाली से आदित्य चौटाला और रानिया से अर्जुन चौटाला INLD के विधायक चुने गए हैं। पहली बार विधायक चुने गए हैं आदित्य चौटाला, इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। आदित्य जी, पहली बार तो आपको बधाई, विधायक बनने का जो सपना था आपका वो अब पूरा हो चुका है, अब लोगों के लिए क्या प्राथमिकता आपकी रहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद विजय। निश्चित तौर पे पहले भी मैं इलाके में काम कर रहा था, अब मेरे पे जिम्मेवारी और बढ़ी है क्योंकि इलाके ने मुझे जनप्रतिनिधि चुना है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत से काम हैं जो इस इलाके की जरूरत है जो करने हैं और हम सब लोग उसके लिए लगे हों। इससे पहले भी आपने दो तीन बार इलेक्शन लड़ा लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, BJP की टिकट पर चुनाव लड़ा था, क्या लगता है कि BJP से छुटकारा मिलने के बाद जो आपके सितारे हैं वो एक बार देखने को मिले? मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि BJP ने जब ये टिकट काटी, निश्चित तौर पर मेरे परिवार की तरफ से कॉल था और मैंने अपने परिवार के साथ जुड़ा और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए कि हमारा परिवार एक हुआ। ठीक है, उसके बाद चुनाव था, चुनाव लड़े, जनता ने मदद की, परिवार ने मदद की, चौटाला साहब ने आशीर्वाद दिया और आज जनता के प्रेम और प्यार की बदौलत यहाँ का डबवाली से विधायक चुना गया हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि डबवाली के लोगों को बहुत उम्मीद है मुझसे और मुझे उनकी उम्मीद पे खरा उतरना। जीत का मार्जिन काफी कम रहा, 1000 से भी काफी कम रहा, हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी, आप ही दावा कर रहे थे कि हजारों की लीड से आप जीतेंगे, क्या टफ फाइट थी कांग्रेस और JDP से? मैं ऐसा नहीं मानता, चुनाव के दौरान हर आदमी सोचता है, हमारी भी सोच थी बहुत बड़े मार्जिन से आएंगे, पर चूंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति वोट देता है। ठीक है, जो प्रजा ने फैसला किया, जनता ने, सब लोगों ने मान्य किया है, जो चुनाव लड़े, जिन दलों से लोग लड़े, जो प्रत्याशी थे, सब ने माना। हार और जीत तो एक पार्ट है, आपके बीच में बैठा हूँ, जनता ने आशीर्वाद दिया। चुनाव के दौरान आप लोगों से क्या चुनावी वायदे कर रहे थे, अब आप विधायक बन गए हो तो उन चुनावी वादों पर आपका क्या फोकस रहेगा? देखिए, मैंने हमेशा जनता की लड़ाई लड़ी है, जनता की आवाज़ को बुलंद किया है। निश्चित तौर पर बहुत सी ऐसे काम हैं, नशे के खिलाफ हमें काम ठोस कदम उठाने हैं, हमने डबवाली को जिला बनाने के लिए भी हमें ठोस कदम उठाने हैं, सिंचाई व्यवस्था के लिए पानी की व्यवस्था, होटलों में पानी हो, बहुत चीज़ें हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हमारे इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री होनी चाहिए। निरंतर जो एक जनप्रतिनिधि अपने इलाके में अपने इलाके के भले के लिए सोचता है, निश्चित तौर पर वो तमाम चीज़ें हम सोच के और सरकार के सामने रखेंगे और सरकार को कहेंगे कि जनता की, जनता ने बनाई है और जनता की सेवा के लिए बनाई है, निश्चित तौर पर उन चीज़ों को पूरा करेंगे। हाँ, BJP एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो गई है, पूरी मजबूती से सरकार बनाने का दावा भी उनकी तरफ से किया जा रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गठन बहुत जल्द होने वाला है, तकरीबन 15 तारीख को ही ऐसा अनुमान है कि गठन हो सकता है। कितनी उम्मीदें अब BJP सरकार से जो लोग लेकर ने वो गठन? देखिए, लोगों ने मैंडेट दिया है, जीते हैं चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं, उनको बधाई, लेकिन अच्छा काम करें लोग ताकि आगे अगर अच्छा करेंगे तो लोग रहेंगे, नहीं करेंगे तो लोग विरोध करेंगे, तो ये तो उनका काम है, उन्होंने अपने प्रदेश में क्या काम करने हैं उन्हें देखना। तो INLD का सपोर्ट BJP के साथ रहेगा या कैसे? हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी, जो ये आदेश करेंगे, जिन इनके ही आदेश पे इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता सिपाही इनके आदेश पे खड़ा है और इनका जो आदेश होगा धन्यवाद। तो ये थे आदित्य चौटाला जो पहली बार विधायक चुने गए हैं डबवाली से। इनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों के बीच में जाकर वो
जल्द ही लोगों का आभार जताएंगे और डबरी हल्के के विकास के लिए खूब काम करेंगे। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।